हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी आयुष्मान को मैं स्कूल से लेके आ चुकी हूँ, उसका एग्ज़ाम था। तो वहाँ पर क्या क्या हुआ है वो बता रहा है। सारी बातें पहले बता लेता है तभी उसको शांति मिलती है। शायद इसको नींद आ रही थी, इसकी टीचर ने बोला हेड डाउन कर लो, बाद में जगा दूंगी आप लोगों को। वही बातें बता रहा है मुझे और बार बार मुझे बोल रहा है कि कैमरा बंद मत करो, मुझे सारी बातें बताने दो, उसके बाद में ही बंद करना। बहुत बातें करनी होती है बच्चों को, स्कूल से छूटते हैं ना, बहुत बातें करनी होती है। लवली डॉली भी यही करते थे, सारी बातें बताने के बाद ही शांत होते थे वो लोग भी। तो अभी आयुष्मान को स्कूल से ले लिया है मैंने, थोड़ा दूध भी ले लिया है, सब्जियां भी जाके ले लेती हूँ क्योंकि सुबह सुबह फ्रेश सब्जियां मिलती हैं। तो मैंने सोचा सुबह सुबह ही ले लेना अच्छा रहता है, क्योंकि शाम को जाते तो थोड़ा कम फ्रेश रहती हैं सब्जियां। यहाँ पर आयुष्मान परेशान कर रहा है, घर पे डॉली लवली परेशान कर रही हैं, सबसे पूछ रही हैं फ़ोन कर करके, और घर में भी सबसे पूछ रही हैं सबसे सुंदर कौन, जल्दी बताओ सबसे सुंदर कौन दिखता है। अब कैसे बता सकते हैं सबसे सुंदर कौन दिखता है, साथ में आयुष्मान भी चालू हो जाता है। हाँ मैं भी, मैं मेरे बारे में भी बोलो। 3-4 दिनों से सबको तंग करके रखा है, आज अजय फंसने वाले हैं लोग। चंगुल जी क्या लेंगे सब्जी? ऑब्वियसली गाजर। सिर्फ गाजर? आई लग गया पैर में। टमाटर कैसे दे रहा है? कितना रुपये किलो दे रहा है? 20 रुपये किलो। किधर है? 3 टमाटर का बहुत ज़्यादा ही बोल रहे हैं ना। ये लड़के को देख लो, ये बहुत ज्यादा बोले लगा आज। मम्मा वो मजाक कर रहे थे। मजाक मत कर इतना, वही डाल दिया मैंने, अभी बना। जरा जोर से बोलोगे तब सुनाई पड़ेगा ना, इतना स्लो स्लो बोल रहे हो। अगर आपको यहाँ से ना टमाटर चाहिए और अगर आप वहाँ पे पास में ही कहीं पे रहते हैं तो आप इधर से ले सकते हो, यहाँ के टमाटर बहुत अच्छे मिलते हैं और यहाँ पे हरे वाले बनाना भी पाए जाते हैं और इधर ऊपर और टमाटर के बच्चे। और अगर आपको आपको अपने बच्चों के लिए टमाटर चाहिए और तो आप इधर वो टमाटर ये टमाटर के अच्छे हैं, ये टमाटर है। और मम्मा ये बटाटे बच्चे बेच रहे हो और ये क्या है? ये एलर्जी वाला काउंटर है। मेरे वाला ओके। सो पापा डॉली और लवली में से सबसे ज्यादा अच्छी कौन दिखती है? और आयुष्मान में पहली बार अभी बोला आपको दूसरा पप्पा चाहिए। मैंने अभी नहीं बोला। रो रही होगी लगता है, अभी फोन हटा के देखो, रो ही रही है। जो अच्छी लग रहा है अच्छी लग रहा है ना, सुनो ये मेरे लिए मेरा बड़ा बॉन्ड। कैसा लगा आपको? आपको कौन अच्छी लगती है डॉली और मिसे डॉली ना? मम्मा हम तीनों में से कौन अच्छी लगती है? मुझे आयुष्मान अच्छा लगता है। ओके आयुष्मान ठीक है। आई मीन आयुष्मान आई लव आयुष्मान। कल आप डॉली को बोल चुकी आपका आंसर तो क्या? देख अच्छी लव डॉली दिखती है पर अच्छी तू है। मतलब डॉली बहुत गंदी लड़की है। वो तो अपने बाप पे गई है, खूबसूरती उसको मुझसे मिली है, बदमाशियाँ उसको उसके बाप से मिली है, और तुझे खूबसूरती तेरे बाप से मिली है, पर सेंसिबल तू मेरे जैसी है, दिमाग तेरा मेरे जैसा है, तो इसीलिए आई लव बोथ। नहीं आपको किसी एक ही को चूज करना। नहीं चूज करूंगी, नहीं चूज करूंगी, तो बोला ना कि खूबसूरत वो मेरे जैसी है, इसलिए वो जीत गई। इंटेलिजेंट तू मेरे जैसी है। अब वो जीत गई, हो चुकी सारी वोटिंग्स, हो चुकी वोटिंग सब की हो गई ठीक है। लेकिन आई लव मेरे खुद के स्नेक दोस्त लोग, सब लोग स्नेक, सब लोग डॉली का नाम लिए, एक रही मेरा नाम नहीं लिया। क्या बोलते बता कि मैं से बोलती ना मेरे इस पे कुछ अच्छा कमेंट क्यों नहीं करते तुम लोग, तो बोलते डॉली के साथ पोस्ट करेगी तब करेंगे ना। बट आई लव यू एंड आई डोंट लव यू, आई लव यू।
बाकी कुछ भी हो पर लवली नंबर वन है, डॉली नंबर टू और आयशा नंबर थ्री है, ऐसे बोली। मेरे को नंबर थ्री ही बोलती हूँ सब। और अनिल का आयुष्मान है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और नए व्लॉग में स्वागत है आपका। शाम हो चुकी है, सुबह से मैंने आप लोगों का स्वागत नहीं किया, तो मुझे लगा चलो शाम को थोड़ा रेडी वेडी होके, क्योंकि लोग चिल्लाते रहते हैं ना, रेडी नहीं होती है ऐसी करती है, तो मैं रेडी हो गई हूँ। और आज मैंने ये पहना है, ये रिंग बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ना, झुमका बरेली वाला। ये बरेली वाला नहीं है, बरेली से, लेकिन वो टूट गया है, तोड़ दिया इन लोगों ने। इन लोगों का एक ही काम होता है कि जो भी सामान रहे मेरा, वो एक बार भी नहीं पहना रहेगा, क्योंकि मेरे को हमेशा डर रहता है तोड़ दूं जगह पे। मेरे झुमके होते हैं, ये लोग तोड़ देते। मुद्दा बना रही है ये, अभी लड़ेगी मुझसे, सबसे बड़ा मुद्दा ये बनाते रहते हैं। कौन सा मुद्दा? मम्मा ऐसा लग रहा है मेरे, मेरा फैन आया और मैं इसकी सेलिब्रिटी। तुम्हारी हाइट मुझसे थोड़ी ज्यादा है, तो अपने हाइट वाले ढूंढ लो। कभी बोला कोई सा? अभी थोड़ा मुद्दा बना के ये लोग थोड़ा कहीं जा रहे, लड़ लेंगे थोड़ा देर में से, उसके बाद जा रहे कहीं शॉपिंग पे जा रहे। आयुषड़ा कट शालिनी, टीना नेक्स्ट डे सुबह। टीना शालिनी, टू हेल विद दिस, यू वांट टू डू दिस? ओ माय गॉड टीना बेबी डोंट टच मी। तो अभी ये लोग जा रही हैं शॉपिंग करने के लिए, पता नहीं क्या लाने जा रही, क्या लाने जा रहे तुम लोग? लवली को मतलब शॉपिंग। ओह एक्टिंग टीना बेबी, लड़ना मत। कौन कह रहे? क्या चल रहा है? बाय। सामने वाली बिल्डिंग में भी सब लोग आ रहे जा रहे, वो भी दिख रहा है यहाँ से, तो मुझे तो दिखता ही है, वीडियो में पहली बार दिख रहा है। बाय बाय बाय। तभी वो लोग चले गए, हम लोग भी चलते हैं अंदर। पता नहीं किसने धुआं धुआं किया है पूरा, किसने ऐसा धुरी किया है, क्या बोलते हैं? हाँ धुरी ही बोलते हैं, वो किया है घर में अपने। अभी डॉयल अभी आ चुके हैं शॉपिंग करके, कुछ लाया क्या मेरे लिए? चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया। क्या लाया मेरे लिए? लाओ दिखाओ। कोरिया से लाया डायरेक्ट। क्या? वर्स। ओह माय गॉड। ओह माय गॉड। सॉरी मैंने उल्टा पकड़ा था। ओह माय गॉड। कोरिया से आया डायरेक्ट। ओरिजिनली फ्रॉम कोरिया। ओह माय गॉड। Oh my god. 3-4 किलो आ सकते हैं। Oh bye. Oh my god. सूट पर है ना इसका? हाँ अच्छा लग रहा है। Wow. ऐसे ऐसे करना पड़ेगा मुझे पहन के? हाँ. ऐसे सब करना पड़ेगा? ऐसे करोगे तो नहीं देने वाले हम लोग। Oh my god. ठीक है मैं कर लूँगी। मैंने वीडियो बना लिया है, प्रैक्टिस करके मैं ये ज़रूर करूँगी, ठीक है? और क्या क्या लिया है? ओके जींस वगैरह लिया है ना, तो
तो इसको पहन के दिखाओ पहले। तो अभी मैं कैसी लग रही हूँ? तेजी सी कुकी ना। मैंने अपने बाल पीछे कर लिए हैं क्योंकि बहुत ऐसा लग रहा था। देखो क्या है? अभी खाना बन गया है हमारा, लेकिन मैंने थोड़ा ही खाना बनाया, डॉली का खाना बनाया नहीं क्योंकि इन लोगों को खाना खाना नहीं होता है। यहाँ पर मैंने गाजर रखा है, ये घसना है, कल बनाना है मुझे गाजर का हलवा। उसकी रेसिपी आप लोगों को नहीं बताऊंगी। अगर आप लोगों को किसी को देखना है, सीखना है, तो मुझे कमेंट करके बताना, फिर मैं बाद में ला के आप लोगों को बना के दिखाऊंगी, सिखाऊंगी। तो अभी बहुत थक गई हूँ मैं, खाना तो खाया नहीं है, पर भूख लगी है, ज़ोरदार भूख लगी है। लेकिन अभी बिग बॉस हम लोग देख रहे थे, बिग बॉस में खाना सबका चला गया, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से लोगों को खाना मिल रहा है, खाना खा रहे सब लोग। और जो कल का जो एपिसोड आने वाला है, अभी थोड़ा थोड़ा प्रोमो दिखाया है, वो प्रोमो से तो बहुत मन में खलबली मची है कि कल का एपिसोड जरूर देखना है। बस कल कहीं जाना ना हो मुझे, कल का एपिसोड देखना बहुत ज़रूरी है। तो टीना को सबक सिखाया जाएगा शायद, शायद क्योंकि प्रोमोज भी कुछ और दिखाते हैं, रियल में कुछ और बताते हैं। पर वो लड़की का भी बहुत मन बढ़ गया, बहुत मन बढ़ू लड़की है भाई, इतना मन बढ़ गया उसका कि कुछ भी बोलती है, कुछ भी। और शालिन को एकदम बेवकूफ़ बना के रखा है, ऐसा कुछ भी करवा लेती है उससे। शालिन है खुद महापागल, इतना पागल किसी को नहीं होना चाहिए ना। तो कल का एपिसोड देखते हैं, मज़ेदार होने वाला है शायद। अभी जाती हूँ, सो जाती हूँ क्योंकि आयुष्मान का कल भी एग्ज़ाम रहेगा। पर आयुष्मान दिख रहा है कि वो गेम खेल रहा है, आयुष्मान गेम खेल रहा है फोन में। अच्छा ब्रेक लिया है, ठीक है। ओले मिलो बच्चा। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए।